बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश पाश होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस आराम से मिलती रहें। आज की जो मेरी वीडियो है वो वाइट बैलेंस क्रीम के बारे में है। ये मैं यूज़ करते हुए मुझे 15 दिन हो गए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करूँ। तो इसका नाम है वाइट बैलेंस क्रीम और ये जो है विजिबली लाइटन्स पिगमेंटेशन वाइट चाहे मैं आप लोगों को बताती हूँ विजिबली लाइटन्स पिगमेंटेशन वाइल इनहिबिटिंग मेलानिन फॉर्मेशन। और ये सस्टेन वालों की है, 20 ग्राम्स इसका वेट है और ये आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको लाइट करती है और जो आपके अंदर मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है फॉर्मेशन उसको कम करती है। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है? यूज़ हाइपर पिगमेंटेशन इंक्लूडिंग मिलाज्मा एज स्पॉट्स सन स्पॉट्स और बर्थ मार्क्स डार्क एल्बोज नीज और नकल्स के लिए है ये। डायरेक्शन जो इसकी अप्लाई है, अप्लाई 2 to 3 times a day ऑन क्लीन ड्राई स्किन और एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। और वार्निंग है इसकी कि आपने इसको लगा के धूप में नहीं जाना और ये एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। और ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें विटामिन सी है इसमें और कोजिक एसिड है और ग्लाइकोलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, एजिलिक एसिड है और इसमें लिकोरिक एक्सट्रैक्ट्स और आरब्यूटिन है इसमें और विटामिन ई है इसमें। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम है। आपके जो है ये मलाजमा को और डार्क स्पॉट्स को कम करती है, बहुत आसा आसा कम करती है। तो ये मैं लेके आई थी तो मैंने आपको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका मैं रिव्यू शेयर करूं। और ये कोई भी एज के जो है लोग लगा सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। मैंने आपके इंग्रेडिएंट्स भी बता दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपकी स्किन को लाइटन करते हैं। इसमें विटामिन सी और ब्यूटीन एसिड्स और इस तरह के जो एसिड्स हैं वो आपको लैक्टिक एसिड, तो ये जो है ना लाइटन करने के लिए स्किन को इस्तेमाल होते हैं। और ये बहुत अच्छी क्रीम है, तो आई होप आप लोगों को ये क्रीम का जो रिव्यू है ये अच्छा लगा होगा और आप इसको बाय करेंगे गर्मियों में, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़ गाइस।